सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस ये मैंने मेरे अपनी ओडिन की कीस के लिए ये कीचेन मंगाई है, क्योंकि मेरे पास कीचेन थी उसके और जो थी उसकी वजह से जो मेरे हैंडल है और जो टैंक है उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते थे। तो मैंने कीचेन मंगाई है जो कि थ्रेड वाली आती हैं और जो कि लगती भी बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ओडिन की कीस के लिए अभी कोई भी मेरे पास कीचेन नहीं है, सिर्फ इसी से मेरा काम चल रहा था कीस का, और इसलिए इसकी वजह से इसकी हैंडलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने अभी फ्लिपकार्ट से जस्ट ऑर्डर करी है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि जो मैंने अपनी ओडिन के लिए कीस ऑर्डर करी है वो कैसी आई है। तो हमने कैसे इसमें कट लगा लिया है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से जो हमने किचन ऑर्डर करी है किस टाइप से आई है। तो मैंने जो ऑर्डर करी थी गाइस वो दो थी, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे दो देती हुई हैं, इसके अंदर दो कलर हैं, ये थ्रेड्स वाली हैं जो कि आजकल बहुत बाइकर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये कुछ इस तरीके की हैं, इतनी कलरफुल हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। ये दो ऑर्डर करी थी मैंने क्योंकि एक के साथ एक मुझे साथ में मिल रही थी, तो मैंने ये दो ऑर्डर कर दी थी। अब जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं कीचेन कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना अच्छा लुक आ रहा है, और इसमें हमारी जब ओडिन की कीस लगेंगी तो उसका लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि याल अच्छा लग रहा है कि आपको याल अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें अपने ओडिन की कीस डालूँगा। फिलहाल तो मैं इसमें डालूँगा, इसमें हमारी कीस लगाएंगे क्योंकि जो मेरा हेलमेट है उसके साथ में याली कीस मैच कर रही है। तो मुझे ये गाइस याला जो कीचेन है याली बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको भी परचेज़ करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए इसमें हमारी कीचेन में हमारी कीस को डालते हैं ओडिन की, उसके बाद देखते हैं क्या फाइनल लुक आता है। जस्ट मैं इसको यहाँ से खोल के कीस को निकाल लेता हूँ। ये तो मेरी ओडिन की कीस हो गई, और ये है जो गाइस ये जो हमारा फ्यूल टैंक होता है वहाँ पर भी एक कीस लगती है पल्सर 220 में, जैसा कि आपको पता होगा। तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ, वैसे भी मेरे टैंक में तो एक कीस लगी हुई है लेकिन फिर भी इसको इमरजेंसी के लिए मैं अपने साथ में रखता हूँ, तो इसको भी उसके अंदर ही लगा लेते हैं। तो देखते हैं कैसा लुक आता है। ये इसका कीचेन है गाइस, देख सकते हैं आपकी बिल्ड क्वालिटी कितनी प्रीमियम है, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। आप देख सकते हैं जो इसकी कीचेन का ये हुक है ये भी कितना अच्छा है, और जो इसकी क्वालिटी है थ्रेड की ये भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। को मैं याला भी दिखा देता हूँ पास से, आप खुद देखिए कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, थ्रेड एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है और बहुत शानदार और बहुत अच्छी शाइनी लुक दे रहा है। तो मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को अपनी ओडिन की कीस के लिए ये वाला चाहिए, तो मैं इसमें अपनी कीस को लगाता हूँ। तो आप देखिए कैसा लगती है, तो ये मैंने अपनी कीस खोली, इसके अंदर कीज डाली, ये तो जिस तरीके से आराम से चली जाएगी, ये ज़्यादा जोर नहीं लगाना हमें, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक कीज के साथ इसका लुक आ रहा है। ये देखिए आप खुद चेक कर सकते हैं, ये देखिए इतनी शानदार कीज लग रही है इसके साथ में। तो मैं ये वाली भी इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको दिखा सकूँ। तो हमारी टैंकी की भी है जो भी हमने इसमें डाल ली है, अब देखिए गाइस ये कितना शानदार लुक आ रहा है, कितनी अच्छी लग रही है। ये कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आ रहा है गाइस। मैं तो मेरी कीचेन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और क्योंकि कलर भी इसका इतना अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है की, और जो इसका उठाव है बहुत अच्छा आ रहा है। अगर इसके लिए गाइस हमें एक एडिशनल हुक भी दिया है कि हमें किसी चीज़ की एडिशनल इसमें हमारी कोई सी ऑफिस की लगानी हो तो हम इसमें हम आराम से लगा सकते हैं, इसके अंदर दूसरी की चेन के छल्ले भी आराम से रख सकते हैं। अगर आप इसको कहीं पर अटकाना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी जैकेट में अटकाना चाहते हैं या फिर अपनी पैंट की हुक पैंट की पॉकेट में अटकाना चाहते हैं या शर्ट की पॉकेट में अटकाना चाहते हैं, तो इसको आप आराम से अटका सकते हैं। और गाइस इससे एक चीज़ सेफ्टी यू भी है कि कोई आपकी गाड़ी में से कीचेन निकालना है, आप इसको आराम से अपने हैंडल में रोटेट कर सकते हैं। आप इसको अपने हैंडल में यूँ करके लगा दीजिएगा तो वहाँ से आपकी गाड़ी की भी आराम से कहीं नहीं जाएगी, उसी में फिक्स होकर रह जाएंगी।
तो भाई जब हम हमारी कल ओडिन की टेस्टिंग करेंगे, जब ओडिन को साथ में लेके जाएंगे, तो आपको मैं किचन का लुक दिखाऊंगा कैसा लगता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको वीडियो लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये हमारी किचन आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। अब इसको जस्ट हम हमारी ओडिन पर लगा के देखेंगे कि कैसा लुक आता है। आप देख रहे हैं कितनी शानदार लग रही है ये किचन, कितना अच्छा लुक आ रहा है, उसका कलर कॉन्ट्रास्ट देखिए आप कितना अच्छा है। देखिए मैं चाहता था मैं इसका आपको पूरा रिव्यू दूँ, इसलिए आपको मैं लगा के दिखा भी रहा हूँ। इससे हमको क्या इजी भी रहता है, आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे ही हमारी यहाँ पे की लगाई, देखिए गाइस जैसे कि कभी भी किसी भी ब्रेकर पर अभी कभी आ जाता है हमारी की लूज़ हो चुकी हो, तो हमारी की को क्या गिरने का डर रहता है। इसको हम इस तरीके से या तो कभी जो हमारे साइड व्यू मिरर्स हैं उसमें लगा सकते हैं ऐसे करके, या फिर हम इसको जाके हमारे हैंडल में लॉक ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी की गिरेगी नहीं, अगर कभी बाई चांस यहाँ से बाउंस भी खा गई तो उछल के आराम से साइड में हो जाएगी और इसी में लगी रहेगी। और आप देख भी सकते हैं कि इसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, और ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसका आपको वेट भी बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और ना, और सबसे ख़ास बात बताता हूँ गाइस आपको, ये देखिए ये सब जो है ये छल्ले की वजह से, की चेन्स की वजह से, और जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको हल्के हल्के स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। ये क्या है गाइस, हम जो आयरन का जो स्टील का जो भी हम लॉक लगाते हैं उसकी वजह से हमारी बाइक के ऊपर यहाँ पे इसका कलर उतर जाता है, कलर फेड हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसकी वजह से आपकी बाइक में कोई स्क्रैच नहीं आएगा, और कोई लॉक के यहाँ पर भी आपके कोई स्क्रैच नहीं आएगा, आपका कलर भी इससे मेंटेन रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप भी आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप खुद चेक कर लें कि कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है।